लगता है कि एक दिन में आपके पास मानी जाएंगे। इसके पहले भी 48 दिन आंदोलन चला था, उसके बाद भी छात्रों के विपक्ष में निर्णय आए थे और छात्रों ने आज बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो हमको कतई नहीं करना है। यदि आप जीवित रहेंगे लड़ाई लड़ेंगे, अगर आप कोई ये सूचना भी दे या कोई समझाए कि ये हरकत करिए आपकी बातें मानी जाएंगी, तो ये लोग अपने आप अपने दिमाग की बात निकाल दीजिए। आप लोग जो मांगे हैं जनपद में आए हैं, आप विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता करके इनका घेराव करके इनसे संवाद करके मांगिए, क्योंकि आपका अधिकार है। और लड़ाई करके ये कहिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन को आप सब से बोल के यदि यहाँ पर गो हल्ला करके आंदोलन करके यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके बातें मानी जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि आप कमजोर पड़ जाएंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन मजबूत पड़ जाएंगे। कोई छात्र अगर थोड़ी सी भी आपकी हरकत विश्वविद्यालय प्रशासन को लगेगी छात्र हरकत कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री के तहत पुलिस वालों को खड़ा कर दिए, क्योंकि यह मौका हम लोगों को नहीं देना है कि हमारी लड़ाई पुलिस से हो, क्योंकि पुलिस हमारी आपकी सुरक्षा के लिए है। और एक दिन मैं और आपको बता दूं कि इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तौर पर चाहे वह सीओ साहब हों, चाहे वह इंस्पेक्टर साहब हों, चाहे वह चौकी इंचार्ज हों, अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़े हैं, समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं, हो सकता है कि वो अपने समय भी आंदोलन किए हो, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं किए हो, तो हमें आपको उनको कॉपरेट करना है, वो आपको भी कॉपरेट करें। हम शासन चिंता नहीं करनी है, अपनी बातों को मजबूती से रखना है और धैर्यपूर्वक बैठ करके बारी बारी से जो जिसके मन में जो भी विचार हो अपने विचार को रखें। मान लीजिए अभी वेट करिए शाम को, शाम तक नहीं बातें मांगी जाती, कल बैठिए, कंटिन्यू बैठे रहेंगे तो हो सकता है निष्कर्ष निकले, जबकि देखिए इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत मजबूत है। मजबूत इसलिए है क्योंकि आपका यूनियन होता तो आम छात्र के हक पर खड़ा ना बैठा, आपकी लड़ाई आपका छात्र लड़ता है, आपको जो प्रतिनिधिमंडल होता उसके आप संवाद करते, वो ज्ञापन देता, प्रेम से वार्ता करता, लड़ाई लड़ता, जबकि इसको तो नेता बनना, लेकिन यहाँ पर आम छात्र हैं, यहाँ पर बैग लागे में छात्र आए हैं। अगर इन छोटे भाइयों पर गाज गिरेगी, निलंबन निष्कासन की मौके छुपाई जाएगी, पर्चे मुकदमे ला दे जाएंगे, तो कहीं कहीं अंदर से बचेगा, तो स्थिति न बनने पाए।